हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा मॉडलर किचन। आज हम लोग ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ये बोरीवली में सिंपोली में लोकेटेड है और ये 2 BHK फ्लैट इंटीरियर है। कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें मैट फिनिश लेमिनेट वुडन फिनिश और वाइट ग्लॉसी फिनिश लेमिनेट यूज़ किया है जो स्पार्कलिंग है इसमें है। और इसमें हम लोगों ने जो ग्रिल जो यूज़ की है वो SS की एंटीक कॉपर और एंटीक ब्रास की है और नेम प्लेट में भी हमने एंटीक ब्रास कलर यूज़ किया है। ये हम जैसे अंदर एंट्री मारते हैं तो हमने पहले यहाँ पे सुरेख दिया है और सुरेख में हमने नीचे 2 शटर्स दिया है जिसमें नीचे हमने 3 सेल्फ दे दिया है और इसके जो डोर है वो हमने सॉफ्ट लेदर यूज किया है। उसके ऊपर हमने ड्रॉवर्स यूज किया है ताकि हम लोग यहाँ पे की वगैरह है, सॉक्स वगैरह है वो रख सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है वो हमने ग्लॉसी फिनिश लेमिनेट और वुडन फिनिश लेमिनेट यूज किया है और उसके ऊपर फिर हमने एक डेकोरेटिव ट्री रखा है और ऊपर हमने एक वॉश दे दिया है। लेमिनेट में बनाया हुआ है, इसमें हम लोगों ने ये जो है MDF के ऊपर प्यू कोटिंग किया है और ये जो है हमारा वाटरप्रूफ प्लाईवुड के ऊपर हमने लेमिनेट प्रेसिंग किया है। पैनलिंग किया है और फिर अंदर हमने लाइट भी दी है, इसके अंदर प्रोफाइल लाइट दी है, LED प्रोफाइल लाइट। और ये हमारा जो है हमने पर्दा यूज किया है और ये हमारा स्लाइडिंग विंडो है। लाउंजर दिया है और इसमें 2-tone कलर हमने यूज किया है और इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेंटर टेबल दिया है जिसका मार्बल फिनिश का टॉप है। इसको हम लोग थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए हमने भगवान गौतम बुद्ध का फ्रेम दिया और ऊपर इसमें एक लाइट दे दिया है। हमारा लिविंग रूम का सीलिंग है जिसमें हमने दोनों साइड में क्रोमटन के फैन दिए हैं और सेंटर में जो है हमने एक झूमर यूज किया है और बाकी इसमें लाइटिंग में हमने पैनल लाइट और स्पॉट लाइट यूज किए। माउंटेड हैंगिंग लाइट हमने यूज की है और इसमें जो डाइनिंग का जो टेबल है वो हमने मार्बल फिनिश का यूज किया है।
एक्रिलिक यूज किया है, जो एक्रिलिक का लेजर कटिंग का हमने ग्रिल बनाया है, तो मंदिर टाइप का इसमें लुक दिया है। एक्रिलिक भी ये प्लाई में है, और इसमें हमने ऊपर मंदिर के लिए दिया है और सेकंड स्टेप प्लस वगैरह रखने के लिए दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने मंदिर का स्टोरेज दिया है, मंदिर के सामान रखने के लिए। और नीचे हमने जो है एक शटर दिया है। किचन का स्लाइडिंग डोर है, एक्रिलिक मॉड्यूलर किचन है। और ये किचन जो है वो पैरेलल किचन है, बोथ साइड किचन है। और इसमें ये हमारा सर्विस काउंटर है, सर्विस काउंटर के ऊपर हमने डार्क कलर का एक्रिलिक यूज किया हुआ है जो ग्रे कलर में है। और इसमें हमने हाइड्रोलिक शटर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रोविजन किया है, और ऊपर ओवन की एसेसरीज यूज किया हमने। ये जो किचन है ये हैंडललेस किचन है, इसमें हमने हैंडल नहीं दिए कैबिनेट के अंदर। ये सब सॉफ्ट क्लोजर है जो इजीली ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक क्रॉकरी यूनिट दिया है। इसमें हमने जो ग्लास यूज किया है वो फ्रोस्टेड ग्लास है, जो स्मोक ग्लास है। और फिर यहाँ पे भी हमने एक स्टोरेज के लिए यूज किया। यहाँ पे फिर हमने एक मैचिंग कलर का वॉशिंग मशीन यूज किया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने मल्टीपर्पज यूज के लिए ड्रॉवर दिया है। और ये जो ड्रॉवर है ये स्टील के बास्केट है, और SS304 के अंदर हमने बनाया है, जो हेटिस के सॉफ्ट क्लोजर चैनल लगे हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे बड़े डिब्बे है कुकर वगैरह रखने के लिए हमने यूज किया है। फिर यहाँ पे हमने हैवी स्टोरेज के लिए एक शटर दिया है, और अंदर एक सेल्फ दे दिया है मूवी पर। मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमने सेम डार्क कलर का लॉफ्ट दिया है, और उसके नीचे हमने एक्वागार्ड विथ मटके के लिए प्रोविजन दिया है। और यहाँ पे हमने मटके के लिए SS का एक स्टैंड बनाया है, ताकि मटका जो है वो फिटिंग हो जाए। और फिर यहाँ पे हमने एक क्रॉकरी के लिए एक शटर दिया है। ये हमने एक एलिका का चिमनी यूज किया है, और उसके बाद में भी हमने एक क्रॉकरी के लिए एक शटर दिया है, कांच का क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए। और ये जो शटर है वो हमने ये भी सॉफ्ट क्लोजर यूज किया है। उसके बाद हमने सिंक के नीचे जो है वो एक डस्टबिन और डिटर्जेंट के लिए एक पुल आउट का प्रोविजन दिया है। हमने एक कटलरी बास्केट दिया है। कप एंड सॉसर के लिए दिया है। उसके बाद हमने मल्टी पर्पज यूज के लिए दिया है। फिर यहाँ पे ग्लास वाटी वगैरह है वो रखने के लिए दिया है। तो यहाँ पे हमने थाली और प्लेट के लिए बास्केट दिया है। वॉल हाइलाइटर टाइल्स की जगह पर हमने बैक पेंटेड ग्लास यूज किया है, जो टफंड है।
और जो हमने प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया है वो G5 प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। हालांकि बिल्डर का जो दिया हुआ प्लेटफॉर्म था वो ब्लैक कलर का था, तो हमने उसको चेंज करके वाइट G5 के अंदर यूज़ किया है। अपोजिट में था तो इसलिए हमने इसको हिडन बाथरूम बनाया है। यहाँ पे हमने वॉश बेसिन के ऊपर हमने मिरर दिया है जो लाइटिंग वाला मिरर है, जिसमें प्रेस करके आप लाइट वगैरह जो है वो कर सकते हो। इसमें लाइट का एडजस्टमेंट भी है, आप लाइट इसका जो भी अपने को डायरेक्शन में चाहिए कम ज्यादा वो अपन कर सकते हैं। लाइट चेंजेस का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको जो भी लाइट चाहिए वो लाइट आप कब कर सकते हो। फुल वाइट है, वॉर्म वाइट है, और ब्राइटनेस आपको जैसा चाहिए वैसा आप ब्राइटनेस पे इसका सेट कर सकते हैं। और बेसिन के नीचे जो है वो हमने यहाँ पे स्टोरेज किया है। ये हमने डोर क्लोजर यूज़ किया है जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इसमें अपने को हैंडल वगैरह है वो देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कॉमन बेडरूम है, ये हमारा बेड है, इसमें हमने हाइड्रोलिक पैड यूज किया है। ये अंदर हमने स्टोरेज दिया है और बैक रेस्ट में हमने कुशन के लिए प्रोविजन दिया है, तो अपन रेस्ट कर सकते हैं, बैक के लिए कुशन यूज किया है। फिर इसमें हमने एक लॉकर के लिए प्रोविजन दिया है। और यहाँ पे हमने दो ड्रॉवर्स दिए हैं। यहाँ पे हमने एक गार्निशरी ट्रे यूज किया है कॉस्मेटिक वगैरह रखने के लिए। और फिर हमने एक ग्लास ड्रॉवर यूज किया है। ऊपर हमने एक हैंगर के लिए दिया है, तो यहाँ पे साड़ी के लिए हैंगर, तो साड़ी फोल्ड वगैरह रख करके अपन रख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक सेंटर में एक सेल्फ भी दिया है स्टोरेज के लिए। और फिर ऊपर हमने एक LED लाइट जो दिया है, ये पुश ऑन लाइट है, जैसे ही आप डोर क्लोज करोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। साइड का पोर्शन है वार्डरोब का, इसमें हमने एक साइड में हैंगर दिया है और एक साइड में हमने यहाँ पे सेल्फ दे दिया है ताकि अपने जो बैग वगैरह जो है वो आ जाएंगे सब। और इसमें नीचे हमने एक सेल्फ दे दिया है। और ऊपर जो है हमने डेकोरेटिव कंसील यूनिट बनाए हैं जिसमें अपन डेकोरेटिव स्टिक्स वगैरह रखे हैं। और साइड टेबल में हमने ड्रॉवर यूज किया है। बेड के अपोजिट साइड में हमने TV यूनिट बनाया है और इसमें हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हैं। एक सेटअप बॉक्स के लिए हमने ग्लास यूनिट दिया है, ग्लास का शटर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे साइड में एक ड्रेसिंग टेबल दिया है। और नीचे हमने पुफी का प्रोविजन दिया है। यहाँ पे फिर हमने कर्टन्स के लिए पैनलिंग किया है, जो AC का पाइप वगैरह भी है उसके अंदर से चला गया है, तो इसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट दिया है।
और इसमें हमने अंदर जो है वो स्टोरेज दिया है। और बेड के दोनों साइड में हमने लैंप यूज किया है और साइड नीचे उसके नीचे हमने साइड टेबल भी दिया है। स्लाइडिंग वार्डरोब है, इसमें हमने वुडन फिनिश मैट लैमिनेट और वाइट हाई ग्लॉस फिनिश लैमिनेट यूज किया है और इसके जो हैंडल है वो हमने कंसील यूज किया है। यहाँ पे ऊपर हमने हैंगिंग दिया है, हैंगिंग का प्रोविजन दिया है और फिर यहाँ पे हमने ड्रॉवर प्रोविजन दिया है, फिर यहाँ पे हमने गार्निशिंग ट्रे यूज किया है कॉस्मेटिक के लिए और यहाँ पे हमने ग्लास ड्रॉवर दिए हैं। ये हमारा सॉफ्ट फ्लोर स्लाइडिंग है। यहाँ पे भी हमने एक सेंटर मिडल देख के यहाँ पे हमने हैंगिंग के लिए प्रोविजन दिया है और ये साइड में हमने सेल्फ दिए हैं और नीचे हमने यहाँ पे ड्रॉवर यूज किए हैं। फिर यहाँ पे एक साइड में हमने सेल्फ दिया है। फिर ऊपर जो है हमने हाइड्रोलिक लॉफ्ट शटर दिया है। यहाँ पे हमने साइड में जो वार्डरोब के जो साइड में है हमने एक फोल्डिंग स्टडी टेबल दिया है। ये फोल्डिंग स्टडी टेबल है और इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। हमारा बेडरूम बेड के अपोजिट में हमने एक टीवी यूनिट दिया है और यहाँ पे भी हमने ड्रॉवर ही दिया है। यहाँ पे हमने एक सेटअप बॉक्स के लिए ग्लास का शटर दिया है, ये भी सॉफ्ट क्लोजर है। और ये साइड में फिर हमने एक ड्रेसिंग टेबल दिया है। अब नीचे जो है वो हमने यहाँ पे पुफी यूज किया है। और टीवी के साइड में हमने यहाँ पे डेकोरेटिव यूनिट के लिए कंसील यूनिट बनाया है। स्टोरेज यूज किया है। ये हमने जो 2 BHK फ्लैट इंटीरियर जो किया है तो एक बार सर से और मैडम से पूछ लेते हैं कि इनको कैसे घर पसंद आया वगैरह और कैसे काम हुआ है। तो सर जरा मैडम जरा बताइए। जब हमारा घर का प्लान हमें सोचा था कि इंटीरियर कर लेंगे तब हम बहुत सारे इंटीरियर को दिखा रहे थे। तब हमने घूमते समय एक बाबे नाका में जा रहे थे तभी हमें दुर्गा
किचन मॉड्यूलर किचन का उनका शॉप दिखा, तो उन्होंने जब पप्पू भाई से मिल गए हम लोग, तो उनका बोलने का ढंग से ही हमें पता चला कि काम देना है तो पप्पू भाई को ही देना है। वो आदमी ऐसे थे कि उनका बोलने से वो अपने लगने लगे। क्या है उसमें, क्या हुआ था, जब हम लोग घर चालू किया बेटा ने काम, तभी काम होने को आया, तभी लॉकडाउन का पहला मास में लॉकडाउन हो गया था। तभी ये बोलते चलो देखेंगे, बहुत घूमे, मेरे पास तो 10-12 इंटीरियर वाले ने फोन किया था, क्योंकि मेरा बैंक में आते थे। सोचा कि चलो क्या करेंगे, देखते से घूमते निकले, देखने के लिए क्यों लैम्प देखने गए थे अपन किधर, तो देखते देखते गए तो मिसेज बोलते यहाँ पे एक है ना किचन, किचन का काम देखते हैं, चलो घुस जाएंगे अंदर। घुस गए तो पप्पू भाई वहाँ पे मिले, पहले देखा ऐसा आगे पीछे मैडम बात कर रहे थे, देख के हम लोग आए, तुरंत डिसीजन तो लिया नहीं, जैसे ही बाहर आ गए वो चला मिसेज कह रहा देने का किसी को मत, 10 जगह मत घूम देने का, क्योंकि बिकॉज बहुत सिंपल और सादा आदमी है, और उनका किचन का स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगा। बाद में इंटरव्यू देखेंगे आगे क्या करने का, उसके बाद हम लोग डिसाइड किया चलो उनके पास ही जाएंगे। बाद में मीटिंग आना जाना हुआ 1-2 बार, 3-4 बार, 5-6 बार, वो पप्पू वगैरह को बोला ऐसे ऐसा हमको बना के बनता है, तो आप मेरे को कोटेशन दे दो जो भी है। थोड़ा आइडिया मैंने भी दिया, थोड़ा मिसेज ने दिया, और थोड़ा पप्पू भाई ने दिया। पप्पू भाई ने तो मेरे को उनको जो बोला वैसा कर देंगे, ना नहीं बोला मेरे को, सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। वो इतने सिंपल, छोटी उम्र में इतने सिंपल है, बोलने का तरह से मालूम पड़ेगा। तो मेरा तो ये है उनके पास, जब भी उसको आगे बहुत तरक्की उसमें होगी, बहुत सिंपल एंड सोपर सर। उन्होंने हमने हमारे हिसाब से और हमें जैसा चाहिए था वैसे हिसाब से बना दिया। किचन तो मुझे बहुत ही पसंद आया, और भगवान का मंदिर भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, और वो उन्होंने डाइनिंग के सामने जो कांच का आइडिया था उनका बहुत अच्छा था, वो सबको पसंद आने लगा, पसंद आया। हमारा आइडिया नहीं था, उसने खुद बोला सर वहाँ पे किचन अपना जो डाइनिंग का हॉल है वहाँ पे अपन जरा कांच बिठा देंगे, कांच बिठाएंगे थोड़ा और अच्छा लुक दिखेगा। आप खाली बोलो, मैं बोला आपको अच्छा है मेरे को मालूम नहीं, जैसा मैं करवा दूंगा, अभी रिजल्ट आप देख रहे हैं। और मास्टर बेडरूम भी हमारे बेटे के हिसाब से उन्होंने बना के अच्छा दिया, उसको अच्छा। भी बहुत पसंद आया वो ये फोटो, जिसने भी देखा है और जो घर में भी कोविड में कोई आते नहीं, 2-3 लोग आके गए हमारे रिलेशन में, सर मस्त बनाया, पूछते कहाँ से बना है, कौन है इंटरव्यू वाला। पप्पू भाई और चेतन भाई और आनंद भाई, उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से वो घर, हाँ खुद का घर समझ के उन्होंने बनाया है, इसीलिए उनको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत अच्छा बनाया। और हमारे तरफ से उनको आगे भी ऐसा ही मिलते रहे, और उनके आगे बहुत है, आगे भी हम भी डिसाइड करते रहे कि जो जो काम किसको मिला, बिकॉज ये घर देख के गए जो भी है सबने एड्रेस पूछा है कौन किसने किया। थैंक यू वेरी मच पप्पू भाई, थैंक यू वेरी मच। वो थोड़ा सा मैं भी बोला, हमारे जो छोटे सर है वो US में रहते हैं, तो सर ने उनको फोटो और वीडियो वगैरह भेजा है, तो सर को पूछते हैं कि उनके बेडरूम जो है उनको शायद पसंद आया नहीं आया, एक बार सर से पूछ लेते हैं। पहला उसको जो वीडियो पहला भेजा उसका ही भेजा भाई, मेरा उसके रूम का भेजा, पापा किसने बनाया, पहला क्वेश्चन उसने किसने बनाया, आपका तो आइडिया नहीं रहेगा। बोला मैं काम दिया था उनको, मतलब कौन है, मैं जब नवंबर आएगा मैं उनको मिलूंगा, पहला क्वेश्चन है सबसे। सब उसको उसका ही रूम नहीं, मगर जो ओवरऑल अभी सब हो गया है ना पूरा, अभी इवन अपना भी मैं वीडियो निकाल खुद निकाल उसको भेजा था पूरा, क्लासिक बनाया उसका, एक ही वर्ड है क्लासिक, 10 बार बोलता है क्लासिक बनाया। वो बाथरूम के सामने भी वो उसने उसको क्या बोलते हैं हिडन बाथरूम जो, हाँ हिडन बाथरूम भी उसका, उसका आइडिया उसको बहुत पसंद है, वो उसने बोला ये बहुत अच्छा बनाया है। मैं बोलते पापा क्या बनाया है, मैं बोला उसके अंदर बाथरूम है, बोलता है क्या मैं बिलीव नहीं करता, देख बाथरूम है यार, और उसने घर देखा ही नहीं है इसीलिए उसको ऐसा लगा कि कैसा बना होगा, नहीं बनाया है। हाँ तो ये क्या वाकई में आपका ड्रीम हाउस वैसा आपका बन गया? हम लोग दोनों भी डिस्कस करते है ना, अपना ये घर जो बना होगा खुद को समाधान है, तो अपना ही घर खुद को मेरे को ड्रीम ही लास्ट ड्रीम ही लगेगा। थैंक यू सर। मैडम ने जैसे बोला था कि आप मेरे एकदम भाई के जैसे हैं, तो मतलब मेरा ही घर अपना ही घर समझ के काम करना, तो एक बार मैडम से भी पूछ लेते हैं आपको एकदम सेटिस्फाइड हो, घर आपको एकदम अच्छा लगा?
बहुत अच्छा लगा। उस घर के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं हक से बोल भी सकती हूँ, वापस बुला के भी आपको मैं बुला के कुछ प्रॉब्लम आएगा तो भी कर सकती हूँ। और आप आते भी है, वो भी देखा है मैंने कि मुझे कुछ भी लगता है तो आप आके वो करके झट से निकल जाते हैं। तो उसके लिए अपना बेडरूम में जो अपना आइडिया कहता है आपने खुद ने भी चेंज करवाया, जब भी काम होने के बाद में भी चेंज करवाया आपने। जब भी मैं आया था मैं बोला ओके है, सब ओके है, नहीं सर ये ओके नहीं है, वो आपने निकाल के वापस डबल बनवाया है। सर उसका रीजन था कि जो लॉफ्ट जो अपन ने डार्क कलर दिया था थोड़ा लुक वाइज नहीं आ रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि वो शायद परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैंने चेंजेस करवाया था। तो ये अभी उसका रीजन मेरे को अभी मालूम पड़ता है कि आपने क्या क्या किया। हम लोग क्या, हाँ घर अच्छा अच्छा है और अभी एक एक चीज बनता है ना स्पेशल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बनाया सर, सच में अच्छा बनाया है। मैं ऐसा ही मैं मन से दिल से बोलता हूँ सच में, धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से सबके सपने, सबके घर के सपने आप पूरे करेंगे यही आशा है। धन्यवाद। पहला क्या है, अभी अभी ऑफिस से भी हम लोग आते हैं ना, घर देखे बोला खुश होते, वही तो लगता है कभी कभी अपन एकदम थक के आते हैं काम करके आते हैं तो घर पे आके थोड़ा सुकून मिलता है। आपका टीम भी अच्छा है, सब ने जो जीते इलेक्ट्रिशियन वाला इवन प्लम्बर वाला प्लस आपका जो डिजाइन बनाता है वो सब लोग अच्छे हैं, सब सिंपल है। एक्चुअली हमारे जो जीते वो टीम के ऊपर ही है, कोई भी अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा कोई ऐसा भी नहीं, कोई भी मैं भी ऑफिस जाता था आपके आपके पास अभी देकर रखा था, मैं खाली शाम को आता था। इसके लिए जो ये काम हुआ और सर ने जो तारीफ की है उसके लिए पूरा पूरा जो है थैंक यू जो है वो अपनी टीम को ही जाता है, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं सब सब कुछ नहीं, मैं भी सबका नाम तो मेरे को मालूम है, टीकम जी का नाम है, सबका नाम चेतन है, आनंद भाई है, आनंद भाई है बेचारा, सब वो है अशोक जो है, काफी अच्छे काम। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।